देश में जिस तरीके से पत्रकारों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर जयपुर में भी पत्रकारों की कोरोना जांच की गई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा था कि देश और प्रदेश में पत्रकार इस समय फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं, सबको सही सूचनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में पत्रकारों के कोरोना संक्रमण में काम करना खतरे से कम नहीं है, इसलिए जांच होना जरूरी है। इसे देखते हुए 22 गोदाम स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में जांच शिविर लगाया गया। राजस्थान सरकार ने भी पत्रकारों और आम जनता के लिए विशेष शिविर लगाया गया है। यहाँ आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे शिविर के लिए पहले फॉर्म तैयार किया जाता है और उसमें उसकी जांच के लिए जहाँ पर पहले फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म भरने के बाद में ही जो अन्य प्रक्रियाएँ हैं वो की जाती है। जिस तरह से आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो कोरोना जो संदिग्ध है या फिर जो कोरोना से जो पीड़ित है उनको लेकर सैंपल जो टेस्ट है वो किया जाता है, किस तरह से किया जा रहा है वो आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से एक जो PCR किट के जरिए यहाँ जो सैंपल लिया जा रहा है उसमें तलवे या नाक के से जो सैंपल कलेक्शन है वो किया जाता है और उसको एक जार में डाला जाता है और जहाँ से उसको सैंपल जांच के बाद के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको देखा जाएगा कि रिपोर्ट किस तरह से आती है। इन सभी को लेकर विशेष व्यवस्था की गई, पूरे इनकी PPE किट जो लैब कर्मी हैं वो पहने हुए हैं ताकि किसी तरह के उनका संक्रमण नहीं हो, पूरा बचाव और सब कुछ उनमें यहाँ पे ध्यान देकर ही जो आगे प्रक्रिया है वो की जाती है ताकि किसी तरह का जो संक्रमण है वो फैले नहीं। मुख्यमंत्री ने भी अशोक गहलोत ने निर्देश दिया था कि किसी भी मीडिया कर्मी को कोई लक्षण हो तो वो जांच करवाए और उसी के तहत आज यहाँ पर विशेष शिविर लगाया गया है। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ में लोकेश ओला के वन।